ओके बच्चों, आज हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे। क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मैंने आपके वास्ते बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप लोग लिखने में बहुत दिक्कत होती है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड व्हाट इज द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या है? न्यूमेरिकल में पढ़ो, न्यूमेरिकल रेट कॉन्स्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब के का वैल्यू। के का वैल्यू कितना है? 7×10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। ओके, इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 0.08 मोलार, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स आफ्टर 35 मिनट्स। रेट कॉन्स्टेंट दिया हुआ है आपको, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है रिएक्टेंट का, और आपको पूछ रहा है कि 35 मिनट्स के बाद में कितना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व करेंगे हम। देखो अभी कैसे करना है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पता है आपको? हाँ, कौन बताएगा मुझे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन? के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए इज द इनिशियल क्वांटिटी, ए इज द इनिशियल क्वांटिटी। ए अपॉन ए माइनस एक्स की प्लेस पे मैं ये भी ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ? ए जीरो अपॉन ए टी। A0 is the initial concentration and AT is the concentration after time T. अब देखो मुझे क्या करना है इसको। ये एक टर्म है पूरा, ओके? मैंने इसको लिख दिया ऐसे, log 10 A0 upon AT. ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने इसको। अब मैं क्या करता हूँ, के इंटू टी कर देता हूँ, के इंटू टी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इक्वल साइन आ जाएगा, ओके? और मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? के इंटू टी अपॉन 2.303, ये बन गया। अब मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला पुट अप करूँगा। गिवन वैल्यूज क्या है? गिवन वैल्यू ये, दिस इज के एंड टी इज 35 मिनट्स एंड द ए जीरो इज व्हाट? 0.08 मोला। ये मेरे पास में क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो मैं यहाँ पर इस वैल्यू को पुट अप कर देता हूँ, लॉग यहाँ पर लिखता हूँ मैं 0.08 एम अपॉन। हाँ तो बच्चों, ये मैंने रख दिया वैल्यू। अब यहाँ पर इक्वल साइन कर देता हूँ, 7×10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स इंटू टाइम। टाइम कितना है भाई? टाइम तो दिया हुआ है 35 मिनट्स, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कौन आंसर देगा मुझे, सेकेंड में कितना हो जाएगा? 35 मिनट्स, मतलब 35 मिनट्स सेकंड में हो जाएंगे 2100 सेकंड, ओके? मतलब 2100, ठीक है? इसको मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पर सेकंड देखेगा नहीं आपको, ओके? यहाँ पर टाइम भी लिख देता हूँ, ठीक है? नीचे क्या है? 2.303 है, ओके? अब हम सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा? सबसे पहले तो मैं सेकंड सेकंड कैसे कर देता हूँ, ठीक है? अब रिमेनिंग क्या है मेरे पास में? रिमेनिंग आएगा 7×10⁻⁴ इंटू 2100 अपॉन 2.303, ओके? ये सॉल्व करते हैं उसको, ये कैंसिल कर दिया और ये आपका वैल्यू आ गया लॉग इक्वल्स टू 0.08 मोलार अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ 80 एंड ये कैलकुलेशन करने के बाद में इसका आंसर आ रहा है 0.63। कितना आ रहा है? 0.63। अगर आपका भी आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आपका आंसर सेंड करो मुझे, 63।
83। ओके हाँ, अब इसमें करना क्या है हमारे को आगे के 0.08 मोलार अपॉन 80 इक्वल्स टू, हमें इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एंटी लॉग 0., यहाँ लिखता हूँ मैं इसको कट करके, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे 0.08 अपॉन 80 यहाँ पे इक्वल्स टू एंटी लॉग लेना पड़ेगा 0.6383 का। एंटी लॉग निकालना बहुत आसान है, लॉग टेबल में से देखो आप एंटी लॉग, और एंटी लॉग आने के बाद में कमेंट करो मुझे कि एंटी लॉग कितना आता है। ठीक है, तो इसका आ गया 4.3। कितना आ गया इसका? 4.35। ओके नाउ रिमेनिंग क्या है अभी अपने पास में, अपने पास में 80 अपने को निकालना है। ओके तो ये आया ना आपका, यहाँ लिखता हूँ मैं नीचे इधर का 0.08 अपॉन एंटी लॉग आ गया 4.35 देन इक्वल्स टू ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80। हाँ अब 0.08 को डिवाइड कर दो 4.35 से, आंसर आ जाएगा कितना 0.0184। ये आ गया। ओके तो इतना कॉन्सेंट्रेशन बचेगा 35 मिनट्स के बाद में। ओके